ओके गाइस, सो सब आ गए हैं। दूल्हा के घर कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है, पंडाल वंडाल, और दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं। बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 4, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कैसा होता है। और भी नियम सब कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं अंदर। एक सीन ना पहले इतना जाऊँ पर खाली हूँ पर लाके तुम्हारा ना बढ़िया तो गाइस तो इस तरह से अंदर घुसते हुए गाइस काफी अच्छा डेकोरेट किया है। आ ये इधर तो मैंने देखा नहीं था। तो ये गाइस इस तरह से यहाँ पर मतलब दूल्हा के बहन सब ने रास्ता रोक के रखा है, और वही रीति रिवाज जो चलते आता है कि कुछ पैसों का डिमांड हुआ और उस तभी वो पर्दा खुलेगा, तब वो लोग अंदर जाएंगे। तो शायद 1100 में वो लोग मान गए हैं, वो लोग ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते अपने भैया और भाभी को, इसलिए वो लोग 1100 में मान गए और ज़्यादा मतलब कुछ वो नहीं किया नखरा, ईजिली मान गए। सो वो लोग अब अंदर घुसने वाले हैं, तो मतलब क्या होगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि दिन भर में तो काम पे रहूँगा और कल शाम को 6 बजे के बाद रिसेप्शन शुरू है, तो उसके बाद ही अपन आएंगे। तो देखेंगे तब क्या कैसा होता है, मैं आपको कितना दिखा सकूँगा उस टाइम को, तो मैं वो दिखाऊँगा गाइस। सो फिलहाल के लिए तो यही रस्म चल रहा है, और ये लोग देखते हैं कब वो करते हैं अंदर घुस पाते हैं। तो वही गाइस, अब सब कुछ हो गया है, अंदर को घुस गए हैं, ठीक है, कुछ ऑल सेट ऑल डन। सो अब डायरेक्ट आपको मिलूंगा मैं आज शाम 6 बजे के बाद, जब मैं आऊँगा यहाँ पर रिसेप्शन पर। सूरज किंग एंड क्वीन साइज कंटिन्यू द फर्स्ट ब्लॉग और पार्ट 2 ऑफ दैट ब्लॉग, टिपिकल नेपाली वेडिंग। सो गाइस, आज अपन कुछ इस तरह से ड्रेसअप हुए हैं पूरा फॉर्मल, क्योंकि आज दूल्हा के घर रिसेप्शन है, तो इसके लिए अपन ने पूरा फुल्ली फॉर्मल किया है। दीदी का घर भी और जिया जी का घर भी, और या फिर भैया का घर भी, भाभी के घर भी, कुछ भी बोलूँ, दोनों तरफ से अपने लिए एक ही है। तो दोनों घर सामने था दूल्हा दुल्हन का, तो इसलिए हमें दोनों घरों से इन्विटेशन था ना, ठीक है, आने के लिए। तो वहाँ पे कल गया, तो मैंने दिखाया आपको पिछले ब्लॉग में कि क्या कैसे होता है, और यहाँ पे आज जो है यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन है। देखते हैं वहाँ जाके और भी कुछ होता तो मैं आपको जरूर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। सो उसके लिए बने रहिए ब्लॉग पे। ओ गाइस, तो अपन पहुँच गए यहाँ पे, फिलहाल 7:30 बज रहा है, तो अपन को आते आते लेट हो गया, कोई नहीं, अपन जब भी पहुँच तो गए हैं एटलीस्ट। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था गाइस कुछ वीडियोस पहले, कुछ इस तरह से डेकोरेट, ये एज यू कैन सी। ओ गाइस, हैप्पी भीड़ आज, क्या निकलूँ आज, भैया भाभी काफी सज धज के गाइस बैठे वहाँ से, वो हटा दिया है कल तो था ना सूरज वेट्स अनु था, तो हटा दिया गया है। हैप्पी भीड़ विमल का हो गया, तो फिर तो कौन करेगा, रितिका विद भाई, रितिका मैं तो वीडियो करते बहुत हो रहे हैं, खच भरा हुआ गाइस विद फुल डेकोरेशन के साथ। गाइस फिर से हम आ गए दीपक और हम कल का ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए, तो फिलहाल आ गया, आप देखा है क्या ब्लॉग अभी तक,
देखा है फोटो? नहीं देखा ना? नहीं देखा। सो हे गाइस, हम लोग काफी समय बाद गेट टुगेदर हो रहे हैं सावन भाई के साथ। हेलो। ओह सावन भाई। हेलो। और क्या है उधर, बहन लोग हैं और भाई लोग हैं? तो काफी दिन क्या महीनों बाद शायद हम लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं भले ही शादी के चलते। ओके, सो जैसा कि आपने अंदर देखा काफी भीड़ था, काफी फिलअप था सब सारे सीटें, इसलिए अपन जो यहीं के लोग हैं तो खड़े हो गए। वो ये है दोमन भाई, क्या भाई को बाल नाम की असली भाई भाई टीम दिलीप दिलीप और दिलीप दिलीप। इस तरह से गाइस, इसलिए हम लोग बाहर रोड पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफी सारे लोग इस ये साइड भी और ये साइड भी बाहर, मतलब स्पेशली हम लोग जेंट्स। जी जी भैया, ठीक है। तो जेंट्स स्पेशली हम लोग बाहर खड़े हुए हैं ताकि अंदर लेडीज लोग को जो भी हैं बड़े बुजुर्ग उन्हें सीट मिल जाए, अच्छे से बैठे, क्योंकि क्योंकि जो जैसा है गाइस, आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस एंड हमें जुगाड़ की बहुत आदत है। सो इसलिए अपन इसी की जुगाड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ में काफ़ी सारे लोग हम लोग एकजुट हुए हैं। यहाँ में हमारे पास और एक ब्लॉगर हैं, सोनम रोका ब्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो गाइस, सोनम रोका ब्लॉग सब्सक्राइब। दिलीप, सावन, मेरे भैया दीपक 02, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो व्यूअर्स प्लीज डू दिस। तो गाइस हमें एक दो घंटे बाद सीट मिला तो अपन बैठे हैं। थोड़ा खाऊंगा, मेरी टेंथ ग्रेड अभी भी चल रहा है, सबका आशीर्वाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कुछ हो रहा है। एजुकेंसी पूरा हैप्पी फुल इस तरह पे खाने के लिए बनाया वाला जगह, और पता नहीं कितना देर चलेगा, फिलहाल के लिए तो 9 बजने के लिए 2 मिनट है, और अपन यहाँ पे थोड़ा देर के लिए बैठने के लिए जगह मिला है अभी, तो अपन बैठे हैं। और हम लोग नाचना चाहते थे गाइस, ठीक है, पर फिलहाल नाचने के लिए मना किया है क्योंकि यहाँ में खाना खाने का रास्ता, खाना खाने जाने वाला का रास्ता यही है, तो यहाँ में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ यहाँ नाचना चाहते थे, ठीक है। तो यहीं से जाते हैं खाना खाने के लिए इधर, और एग्जिट भी इधर ही से है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब होगा बोल के अभी फिलहाल के लिए नाचने के लिए मना किया है। तो देखते हैं कब तक अपन नाचना शुरू करेंगे खाना वाना खा के। जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि ये रिसेप्शन है, तो इसे ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं कल की तरह, जो भी नियम रीति रिवाज और तौर तरीके जो होने वाला था वो फिलहाल तो आज नहीं होगा ज़्यादा कुछ। तो यही है गाइस, दूल्हा दुल्हन कब देखेंगे, फिलहाल तो दूल्हा कहीं गया बाहर, तो गिफ्ट विफ्ट देंगे और खाना खान पान होगा, और बस क्या होगा, डांस, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। यहाँ से एंट्रेंस गाइस खाना खाने का, और यहाँ पे सब लाइन लग के, सेल्फ सर्विस है क्या? ना नहीं, काफ़ी अच्छी तरह से हाई फाई बनाया लग रहा है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँच के लेके बताता हूँ। सो अपने 4 बंदे इधर, भाई और मैं बैठे हैं, 6 बंदे साथ में हम लोग, दिखा है तो अपन सब बंदे साथ में बैठे गए, कब से रुक रहे थे कि साथ में बैठेंगे बोल के। और एक भाई और एक चाहिए ना, और 3 दिन क्या वो क्या है क्या शेयरिंग इस लॉब में। तो गाइस देखिए काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बैठने का सिस्टम भी सही है, और खाना तो मैं एज यूजुअल गाइस रात को बहुत कम खाता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था। और तो फिलहाल के लिए अब खाना शुरू करते हैं, तो हम लोग वो इसलिए रुक रहे थे कि हम लोग के साथ में खाने को बैठने के मिलने, पर एक टेबल पर 4 ही चेयर लगता है तो अपन 2 अलग बैठे हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है गाइस, खा के मिलते हैं आप लोग के साथ। गाइस खाना खाने के बाद अभी हमें सास ससुर सब फोटो वोटो खींच रहे हैं बेटा बहू के साथ, और अपन सब खाना खा के बिंदास आके बैठे हैं, और सब ज़्यादातर आदमी ऑलमोस्ट चले गए हैं, हम लोग भी अभी जाएगा थोड़ी देर बाद में। यार मैं यहीं अगर खान पान होने के बाद गाइस सब बाहर आके थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है इधर, किसी का कुछ चल रहा है, शायद हम लोग थोड़ा डांस करेंगे। Nice bro, nice bro.
चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग अभी जा रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कैमरे से कैमरा मैन से लोग हैं, और कुछ लोग इधर हमारे पीछे बैठे हैं बराबर है। तो यही था शादी का ब्लॉग, जितना मैंने आप बता सका बना दिया गाइस। और अभी जो है अपन डांस करेंगे, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा काफ़ी सारे लोग चले गए, ऑलमोस्ट सारे लोग चले गए हैं, तो जितना बचा है उतना में हम लोग हैं अभी फ़िलहाल। और वही अभी सब चले गए ऑलमोस्ट, तो अभी गाना बज रहा है जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, तो हमें डांस चल रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और अपन भी डांस करेंगे अभी थोड़ी देर, उसके बाद अपन भी निकल जाएंगे आधा घंटे के आसपास। तो गाइस तो फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तो आप लोग के लिए बाय बाय।